हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है मंडे और अब हो रहा है 9:30 रात के। मुझे अब टाइम मिला है आप सबसे बात करने का। एक्चुअली क्या वही होता है ना, आप जब वर्किंग होते हो, आपको घर भी संभालना है, आपको सब कुछ करना है, तो और अभी अभी मेरा न्यू यूट्यूब का जर्नी, थोड़ा थोड़ा मैंने चैनल बनाना शुरू किया है, तो हाँ धीरे धीरे अब सब कुछ टाइम रूटीन में आने लगेगा, सब बैलेंस हो जाएगा, तो एक बार सब अच्छे से शेड्यूल हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे सेटअप करने में सारी चीज़ें, वो ही मॉर्निंग में उठना, घर का सारा काम करना, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, दिव्या को पढ़ाना, और आज तो दिव्या का भी फर्स्ट डे था स्कूल का, और मंडे तो बस पूछो मत, ऑफिस में हैक्टिक डे होता है, सबसे ज़्यादा हैक्टिक होता है आज का दिन, क्योंकि आप पूरे हफ्ते में का पहला दिन होता है आज, तो मेरे को आपसे बात करने का टाइम ही अभी मिला। पर मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, मैं कंटिन्यू यूट्यूब पे आप सबसे बात करना चाहती हूँ। और मैंने कल एक सत्यनारायण का था कि एक व्लॉग पोस्ट किया था, इट्स नॉट व्लॉग, इट्स अ मिनी व्लॉग आप कह सकते हो, एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपको बताया था कि मैं सब, कल संडे था और मेरे नेबर में थी सत्यनारायण कथा, उसको बहुत सारे लोगों ने देखा, उस पर काफ़ी व्यूज़ देखे थे मैंने कि लोग देख रहे हैं मुझे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। बट इट्स ओके, मैंने दोबारा से वो वीडियो अभी ठीक करके डाला है और आप चाहिए उसको देखिए। मुझे आपसे एक्चुअली कुछ बात भी करनी थी, क्योंकि मेरा नया जर्नी है, मैं थोड़ा कैमरा कॉन्शियस हूँ, अभी बात करने में मुझे थोड़ा अजीब लगता है, अजीब नहीं मतलब, हाँ ठीक है थोड़ा सा, हर कोई हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता और मैं तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ। पर हाँ आज ना क्या हुआ, मुझे लगता है आप सब बताना कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, या आप लोग मुझसे सहमत हो कि नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, कितनी बार आज शाम को जब मेरे हस्बैंड एक्चुअली मुझे ऑफिस ड्रॉप करते हुए अपने ऑफिस जाते हैं, अपने ऑफिस से आते हुए मुझे पिक कर लेते हैं, तो जब मैं आ रही थी शाम को ना ऑफिस से, तो बहुत अजीब सा थकान हो रही थी, मुझे भी हो रही थी और हस्बैंड को भी हो रही थी। और जब अब दोनों वर्किंग होते हो तो घर के जो छोटे मोटे कुछ सामान लाना है, घर में देना है, घर के लिए लेके जाना है, तो जब घर ऑफिस से थकार के निकलो ना, तो उससे घर दिखता है, फिर लगता है कि घर चले जाओ, लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली आपको सब कुछ खरीदते हुए 10 जगह रुकते हुए और फिर घर आना होता है, तो वही जब हम वही छोटी मोटी फल सब्जियां लेते हुए घर आ रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ा अच्छा बोला, प्रिया यार, ऐसी नॉर्मल हस्बैंड वाइफ में कन्वर्सेशन चल रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला प्रिया यार थकान सी हो रही है, तो मैंने भी नॉर्मली बोला कि हाँ ऑफिस टाइम के ख़त्म होते होते ना थकान हो ही जाती है, थकान हो ही जाती है, तो उसी बात पर मेरे हस्बैंड बोलते हैं, टाइम ऐसा था कि मेरे घर के पास इस्कॉन टेम्पल है, हम इस्कॉन टेम्पल से निकल रहे थे और मेरे हस्बैंड ने, मेरी डॉटर दिव्या है पीछे, तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही बोला कि जब मंजिल दूर होती है ना, तो प्रिया हम बहुत एक्टिव होते हैं और बहुत भागते हैं, बहुत भागते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और जब मंजिल पूरी हो जाती है या काम पूरा हो जाता है, तो हम फिर उसके लिए लेजी हो जाते हैं, शायद थक जाते हैं। तो ये बात मुझे शायद, क्योंकि होता है जब दिन स्टार्ट होता है, आप सब मेरे साथ एग्री करोगे, जब दिन स्टार्ट होता है हम लोग, हमें पता है कि जितने भी हाउस मेकर्स हैं, जितनी ही, सॉरी थोड़ा कैमरा खराब है, कहाँ कुछ नहीं, आप कलर करो, अभी मैं आपको बात करूँगी, तो क्या होता है, जितने भी आप शायद मुझसे एग्री करोगे, जितने भी हाउस मेकर हैं या हमारी तरह वर्किंग वुमेन हैं जिन्हें घर भी संभालना है, ऑफिस भी देखना है, बच्चे भी देखना है, तो वो सब इस बात से एग्री करेंगे कि जब हमारा सुबह की शुरुआत होती है ना, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, सब काम जल्दी जल्दी करना है, काम निपटाना है, ऑफिस जाना है, और बस अब ऑफिस ख़त्म हुआ, जैसे ही घर को लौटे
और जब पता चला आज का दिन हाँ खत्म हो गया, आप कलर करो मैं अभी आपका कलर सीखूंगी, आज का दिन खत्म हो गया तो वही होता है, अब एनर्जी लो हो गई। और शायद लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि जब हमें कुछ सक्सेस पाना होता है तो हम फुल ऑफ एनर्जी, सारी जोश, सारी मेहनत करनी करना चाहते हैं। तो पता नहीं आज बातों बातों हस्बैंड के साथ ये बात हुई और मंदिर भी था साथ में, तो बड़ा अच्छा सा लगा कि हाँ जी भगवान जी शायद ऐसा होता है कि हमें किसी लक्ष्य को पाना हो तो बहुत एक्टिव रहते हैं। उन्होंने तो बस मुझसे एक नॉर्मल डेली रूटीन के ऊपर कहा था कि हम सुबह इतने एक्टिव होते हैं क्योंकि हमें ऑफिस जाना होता है और सारा काम निपटाना होता है तो हम पूरे दिन, बट शायद ऐसा होता हो, सच में होता हो, शायद आप सब मुझे कमेंट करके बताना नीचे कि ऐसा होता है कि नहीं, क्या मैं गलत तो नहीं हूँ। मेरे ख्याल से आप सब, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, तो आई थिंक जितने लोग हैं वो मुझे देख रहे होंगे, चाहे वो मैन है चाहे वुमेन है या गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं जो भी हैं, सब जो देखेंगे वो ये ज़रूर माने कि ऐसा होता है। इसको एक्चुअली मेरी बेटी को थोड़ा थोड़ा स्कूल का काम मिला था, लॉट ऑफ हॉलीडे होमवर्क थी, तो उसमें से कुछ ड्राइंग का वर्क रह गया था, तो वही मुझसे पूछ रही, मम्मा आज फर्स्ट डे था स्कूल का, मम्मा मैम ने बोला है ड्राइंग की वाली बुक खत्म नहीं की है, फिनिश नहीं हुआ है हॉलीडे होमवर्क, तो वही मुझसे पूछ रही मैम मम्मा ये कैसे करना है। अच्छा आप कलर वाला करो, मैं फिर थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है? आप अच्छा सुंदर से कलर वाली पेंटिंग करो, देन मम्मा आपको बताएगी कि कैसे करना है, ठीक है? यस गो। बस यही बात थी जो मुझे आपसे करनी थी और इसीलिए मैंने आपके साथ नहीं, आज तो मुझे बात करनी है, चाहे मैं छोटी छोटी वीडियोस डालूं लेकिन डालूंगी जरूर, बात करूंगी जरूर आप सबसे। आई होप आप सबको मेरी बात अच्छी लगी होगी और शायद आप सब एग्री भी करेंगे। प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। अच्छा इन द सेंस कि अगर आप एग्री करते हैं तो प्लीज़ बताइए, मुझे भी लगेगा कि हाँ नहीं ये मैं ही नहीं सोचती हूँ या ये मेरे ही हस्बैंड की सोच नहीं है, हम सब ऐसा ही सोचते हैं, या हाँ हो सकता है सबके थॉट्स अलग होते हैं, तो आप क्या सोचते हो अपना बताइएगा। थैंक यू।